this is a very important video for all of aspirants who are preparing for Air Force Section Y Group exam and मेरे point of view से तो बहुत ही important होने वाला है। काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वालों, मैंने point wise note out भी कर रखा है। basically मैंने अपना register इस अपने फ़ोन के पीछे सेट कर दिया, सो मैंने एक कागज़ पे आज थोड़ा सा क्या क्या आपसे डिस्कस करना है यहाँ पर वीडियो पर। सो बने रहना वीडियो पर, जैसे भी इन्फॉर्मेशन लगे आप जरूर शेयर कर मीन्स बताना। लाइक यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे अनलॉक थर्ड कल कंडीशन, पहले नंबर तो कल एयर फोर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आया, वो अपडेट अपने लिए कुछ डिफरेंट था अदर से। दूसरी बात यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कल अनलॉक थर्ड शाम को कंडीशंस भी आई गवर्नमेंट ने जो जारी की, लाइक कि स्कूल कॉलेजेस एंड जिम सेंटर्स वगैरह, मीन्स जिम सेंटर योगा सेंटर तो ओपन होंगे बट स्कूल कॉलेजेस ट्रेन्स वगैरह जो ऑफ रहेंगी उसके बारे पे। एंड तीसरी चीज़ यहाँ पे लाइक अपडेट अच्छे से, अच्छा ठीक है मैं तीसरी चीज़ यहाँ पे ये बता देता हूँ एग्ज़ाम रिगार्डिंग कि आपका एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है। सो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम, और ये कोई फेक नहीं है। हाँ, और काफ़ी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ में, लाइक जैसे एपकेट का एग्ज़ाम होना है, एनडीए का एग्ज़ाम होना है, सीडीएस का एग्ज़ाम होना है, डिफेंस एग्ज़ाम का मीन्स जो नोटिस आए थे उन्हें कब तक एक्सटेंड किया गया और कब एडमिट कार्ड आ रहा है, लाइक एक्सटेंडेड मैं मान लेता हूँ एपकेट का, क्योंकि एपकेट एंड एयरफोर्स एक ही होते हैं, एक ही कंडक्ट कराया जाता है। सो एपकेट का मैं आपको बता देता हूँ, एपकेट हमेशा एयरफोर्स के जस्ट पहले आता है और जस्ट पहले एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। उस बार भी एपकेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका था, एपकेट का एग्ज़ाम हो चुका था, और उसके बाद इस बार का भी सेम प्रोसेस। सो वही सारी की सारी एपकेट का तो नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्ज़ाम डेट भी आई थिंक आप सभी को पता होगा 21-22 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है एपकेट का। और उसका अगर बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड, तो 4 सितंबर को एडमिट कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे एपकेट का, मीन्स आप ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद चेकआउट कर सकते हैं, आपको भी प्रूफ यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जैसी भी इन्फॉर्मेशन लगे आपको, आपका कुछ निगेटिव कमेंट्स जरूर होंगे, कुछ पॉजिटिव होंगे, सो थैंक यू, मैं सभी का वेलकम करता हूँ। और सारी की सारी देखो, अभी मैं फ़ोन की स्क्रीन पे चल के आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भाई फ़ोन की स्क्रीन पे चलूँगा वहाँ पे आपको क्लियर दिखा पाऊँगा कैसा क्या होने वाला है। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ परीक्षा के बारे में। भाई अभी आप लोगों को बिल्कुल राइट ही गाइड करता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं भाई हर एक वीडियो पे बोलने लगा, एक मतलब बोरिंग सा होता है बट आपके लिए बेनिफिशियल है। मुझे ऐसा लगता है भाई ऑलमोस्ट ऑफलाइन हम ऑनलाइन ही प्रिफर कर रहे हैं इस टाइम पे। आप घर पे हो, स्टडी कर रहे हो लास्ट के कुछ मंथ से, कहीं से भी कर रहे हो, ऑनलाइन ही कर रहे हो। सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एयरफोर्स सेक्शन वाई ग्रुप आपका जो अपकमिंग एग्जाम आ रहा है उसके लिए वहाँ पे टेस्ट लगाने पे आपको होगा क्या निगेटिव मार्किंग, भैया रैंक पता चलेगा सबसे बड़ी चीज। और निगेटिव मार्किंग होगा पेपर पैटर्न पे होगा सेम। हाँ वाई ग्रुप पे थोड़ा जीके का वो ज़्यादा है, मैंने बात किया उनसे, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट बोला है जीके का 15 क्वेश्चन है उतना नहीं आता, वो मुझे भी पता है भाई, मैंने बोला है सर से और उन्होंने बोला है कि हम इसमें जल्दी अपडेट कराते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और टेस्ट सीरीज चेकआउट करो, मुझे लगता है अभी आपके पास लास्ट अगर 30 डेज का भी टाइम है उस बेसिस पे प्रिपरेशन करोगे ना भाई, तो आपके लिए वो बेस्ट रहने वाला है। और एयरफोर्स एक्शन वाई ग्रुप की जिसकी भी, अभी तो मैं कहता हूँ केवल एक ही पे, एक ही एरिया पे फोकस करो, अगर वाई की करते थे तो वाई की करो, एक्स की करते तो एक्स की करो, ठीक है। और मेरा कूपन कोड ऑनलाइन D40 है, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसे डालने से आपको, और 162-165 का आई थिंक पड़ता है, एग्जैक्ट प्राइस यही होता है। सो आप जरूर चेकआउट करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी चलो डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज, और डिस्कस मीन्स क्या क्या यहाँ पे हैं। सो पहले नंबर मैं लॉकडाउन का बात कर लेता हूँ। लॉकडाउन, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिहार वगैरह पे 31st of May तक बढ़, मीन्स 16th of August तक बढ़ चुका है, और भी मीन्स महाराष्ट्र वगैरह पे सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट COVID-19। बट ब्रदर बहुत बोल रहे थे ट्रेन्स नहीं चल रही, तो भाई ट्रेन्स नहीं चल रही तो वो कैंडिडेट ज्वाइनिंग कैसे जा रहे हैं जो ट्रेन्स नहीं चल रही। हाँ ये बात है, जनरल ट्रेन्स नहीं चल रही, लाइक स्पेसिफाई ही चल रही है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कोई ट्रेन कानपुर से चलती है सीधा दिल्ली पे ही रुकेगी, बीच पे नहीं रुकने वाली, ठीक है, स्पेसिफाइड ट्रेन्स। बट ये नहीं है कि ट्रेन्स वगैरह बिल्कुल नहीं चल रही, चल रही हैं ट्रेन्स वगैरह, और बिल्कुल जीरो लॉकडाउन नहीं है सब कुछ। जैसे मैं एग्जांपल का बात करता हूँ अपने कानपुर में, इधर मतलब कि सॉरी सैटरडे एंड संडे दो दिन का लॉकडाउन रहता है, और एग्ज़ाम वगैरह अभी आता है, स्कूल कॉलेजेस तो बंद रहेंगे, तो एग्ज़ाम कैसे होगा भाई। जैसे कि एयरफोर्स उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, एपकैट का एनडीए जैसे 6 सितंबर को उसका कराएगा, ऐसे एयरफोर्स भी कंडक्ट कराएगा, ठीक है, दिमाग में बिठा लेना। और किसी को राइट गाइड मीन्स रॉन्ग गाइड करने से थोड़ी भाई सब कुछ मिलने वाला है। अगर आप पढ़ोगे, अगर मान लो 6 सितंबर या मैं कहता हूँ मैक्सिमम 15 सितंबर एग्जाम मान के आप पढ़ते हो ना, तो अपने लिए पढ़ोगे ना, किसी दूसरे के लिए तो पढ़ने वाले नहीं हो। कि बाई अगर मान लो बाई चांस अगर अगस्त भी ही हो जाता है, नोटिस है कभी आपको फोन के स्क्रीन पर चल के सब कुछ दिखाऊंगा, नोटिस जो वायरल हुआ था उसमें क्या था, 22 अगस्त से एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, अगर बाई चांस उस डेट को हो गया एग्जाम तब क्या करोगे,
मतलब कि आप तो बोल रहे थे कि सर नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो उस बेसिस पे तो लॉकडाउन, हाँ मुझे भी पता सारी की सारी कंडीशंस पता है, बट स्कूल्स कॉलेजेस बंद है तभी, जिस दिन पेपर होता है उस दिन स्कूल कॉलेजेस बंद ही होते हैं, बट हाँ पता है हम वहाँ तक कैसे जाएंगे, मान लो विलेज एरिया से हमारा अगर लखनऊ पर पढ़ते हैं हम कैसे जाएंगे, सब कुछ बंद है, बट इतना ऑन है और धीरे धीरे आगे नेक्स्ट प्रोसेस पड़ेगा सितंबर तक। अभी चलो आगे चलते हैं, ये तो लॉकडाउन का हो गया, ट्रेन्स वगैरह भी चल रही हैं बट इतना नहीं चल रही हैं। हाँ आगे नेक्स्ट जो अनलॉक आने वाला है 31 अगस्त से, उसके बाद बोला भी गया है कि मेट्रो वगैरह सब कुछ ऑन कर दिया जाएगा, देन डेफिनेटली आपका सितंबर तक तो होना, मीन्स 15th of September जैसे कि कैट का होना है, एयरफोर्स भी सेम कंडक्ट कराया जा सकता है और मर्ज नहीं हो रहे पेपर, अलग अलग ही हो रहे हैं। ये तो लॉकडाउन का हो गया, अभी चलो नेक्स्ट डे बात कर लेते हैं अपडेट। हाँ अभी चलो मैं आपको अपडेट वगैरह सब कुछ अभी फ़ोन पे स्क्रीन पे चल के सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वहीं पे सब बताना आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलो फ़ोन के स्क्रीन पे चलते हैं, उधर डिस्कस करते हैं, ओके। और वीडियो शेयर करना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में। अभी देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाई, सिंपल से बड़े बड़े अक्षरों में अगर मैं बड़े बड़े शब्दों में बात करता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, इतना आपको पढ़ना है केवल, स्टार 012020 एग्जामिनेशन टेंटली प्लान इन द 3rd week of August 2020। इसका मतलब भाई आप सभी जानते हो, ठीक है मैं बता देता हूँ बहुत सारा, और यहाँ पे कोई यूट्यूबर आपको फेक इन्फॉर्मेशन नहीं देता, मैं सबका वैसे नहीं बोलता बट फिर भी मैं सभी का एक टाइप में कहता हूँ, क्योंकि भाई एक बात ये होती है कि इतने में से बहुत मतलब कि जो प्रिपरेशन करते हैं ना 50% इसका मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो आपको मतलब गाइड ही करते हैं, राइट गाइड करते हैं, रॉन्ग गाइड करने का किसी को शौक नहीं होता, बट ब्रदर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टेंटली प्लान्ड इन 3rd week of August 2020, तो तीसरे, अब जो ऑफिशियल वेबसाइट पे वही हम बता सकते हैं, अभी अपने मन से थोड़ी कुछ बता रहे हैं, इनका इसका मतलब यही है कि 3rd week of August को 2020 को अपडेट किया जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे बता देता हूँ, फर्दर मिस आगे की अपडेट्स के लिए विल बी अवेलेबल ऑन CSB वेब पोर्टल, मिस आगे जो भी अपडेट आएगा आप यहाँ पे विजिट करते रहिए, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सी द वेब पोर्टल रेगुलरली, मिस आपको यहाँ पे रेगुलरली विजिट करते रहना है, यहाँ पे यह इसका मीनिंग यही है कि 3rd week of August तक कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके बाद यहाँ पे सी वेब पोर्टल रेगुलरली आपको देखते रहना है, मीन्स यहाँ पे यह भी अपडेट आएगा, आपका एडमिट कार्ड रिगार्डिंग भी जल्दी अपडेट आ सकता है कि भाई कब तक एडमिट कार्ड आएंगे, जैसे कि एपकेट का 4th of September को आना है, मैं आपको चलो वो भी दिखाता हूँ चल के नोटिस वगैरह, ठीक है। आप गूगल पे जाओगे, सर्च मारोगे NDA एग्जाम डेट, डेफिनेटली आप सर्च करोगे आप पाओगे Sunday 6th of September 2020 को आपको एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, किसका, NDA का। तो देखो ये NDA के एग्जाम का यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है एक सेकंड रुकना, मैंने कलर वो कर लिया था इस वजह से। हाँ अभी 6th of September आप गूगल पे जाके खुद चेकआउट कर सकते हो, NDA एग्जाम डेट अभी आज का ही है, ये मैंने आज का डाला है, ठीक है। तो आप जाके खुद चेकआउट कर सकते हो 6th of September को। अभी हाल ही पे एक पेपर, आई थिंक पेपर पे मैं पढ़ रहा था न्यूज़पेपर, ठीक है ऑनलाइन, तो उसमें भी यही था कि NDA एग्जाम कराएगा JEE मेंस, और JEE का तो मीन्स वो पोस्टपोन होगा बट NDA एग्जाम अपना स्पेसिफाइड डेट से कराने वाला है, और उनका तो बोर्ड का मर्जी है, सो उस बेसिस पे अगला ये NDA का था। और भी मैंने यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए, एपकैट एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं। सो एपकैट एग्जाम डेट आपका 19 to 20 September है, नोटिफिकेशन देखा होगा आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका एज, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा होगा तो इसका भी प्रिपरेशन आप में से आपके भाई या और कोई भी हो सकता है जो इसकी प्रिपरेशन करता हो, तो 19 to 20 September के बीच में इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाना है, एपकैट की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद अगला आपको दिखाता हूँ यहाँ पे CDS एग्जाम डेट, CDS का जो एग्जाम होना है वो तो नवंबर पे जाना है, बट अभी एक कमेंट यहाँ पे देखो भाई 31st अगस्त तक तो स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, ये नोटिफिकेशन वाली बच्चों को डराने के लिए है ताकि बच्चे स्टडी करते रहें और नथिंग, वो क्यों डराएंगे, पहला नंबर ये बताओ भाई स्टडी करते रहो वो क्यों डराएंगे, मतलब कि 8 लाख पे उन्हें पता है इतने इतने ज़्यादा पढ़ने वाले मिल जाते हैं, 8 लाख फॉर्म पढ़ते हैं, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता सचिन भाई कि वो तुम्हें डराएंगे, ठीक है नहीं पढ़ना कोई बात नहीं मत पढ़ो, ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें, क्या उन्हें तो अपना कट ऑफ वगैरह जो जिस बेसिस पे अपना कट ऑफ होगा उन्हें डरा के क्या शौक है। अगला यहाँ पे देखो एपकेट एडमिट कार्ड की डेट का बात कर ले, तो एडमिट कार्ड मैंने डाला एपकेट 02 एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड ऑन September 4 बाय द इंडियन एयरफोर्स, ठीक है यहाँ पे देखो 4 September को यहाँ पे दिया हुआ है। अभी बात कर लेते हैं एयरफोर्स एग्जाम रिगार्डिंग, भैया एग्जाम तो हो गया एडमिट कार्ड मीन्स यहाँ पे 4 September दिया एपकेट का एडमिट कार्ड का, ठीक है एपकेट हमेशा एयरफोर्स से आगे ही चलता है, ठीक है 10 जैसे कि मैं बोलता हूँ 10 जुलाई को हमेशा नोटिफिकेशन आता था एपकेट का, तो 15 जुलाई को एयरफोर्स का, तो मैक्सिमम एग्जाम की बात कर लेते हैं तो सितंबर मैक्सिमम होता है, सितंबर से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। अभी जो जिसको जो मानो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपके साथ में जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन सही है वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एपकेट का आप देख सकते हो, उसका आई थिंक और कुछ भी है, हाँ ये देखो
ये आज से कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था, जिसके बारे में बहुत लोगों ने बात भी किया था, यूट्यूबर्स ने भी बात किया था, सभी ने। डियर सर मैम काइंडली लेट अस नो अवेलेबिलिटी ऑफ योर एग्जाम सेंटर पर्सनली वगैरह वगैरह। मॉक टेस्ट वगैरह 18 से 21 अगस्त के बीच में, एग्जाम 22 से 26 अगस्त के बीच में। मे बी ये राइट हो सकता है, मे बी ये रॉन्ग हो सकता है, बट आई डोंट नो, ठीक है। बट एक बात बता दो ब्रदर, अगर ये राइट हो जाता है देन डेफिनेटली आपके लिए, अगर पढ़ते हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो फिर दिक्कत ही है ना। और मैं कोई रॉन्ग वे से गाइड नहीं करने का मतलब प्लानिंग है मेरा, ठीक है। और अगर और एग्ज़ाम वगैरह हो भी जाता है, मान लो मैक्सिमम मेरा कहना है सितंबर 15 तक एयरफोर्स एंड एफकैट 2021 हो सकता है, तो एयरफोर्स इस बार पहले हो सकता है, क्योंकि एफकैट फर्स्ट वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कराया नहीं, मतलब जा चुका है, जबकि एयरफोर्स वाला अभी कंडक्ट फर्स्ट वाला ही नहीं कंडक्ट कराया जा चुका, तो और उसी बेसिस पे यहाँ पे एग्ज़ाम का होना है। तो देखो जो भी होता है, और फॉर्म फिलिंग वगैरह भी दोबारा नहीं होगा। बहुत कैंडिडेट बोल रहे थे कि भाई क्या फिर से फॉर्म फिलअप वगैरह होगा, तो ये मैं बता देता हूँ फॉर्म फिलअप वगैरह दोबारा कुछ नहीं होने वाला। सो अपने को रेडी रहना ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे ही कोई अपडेट आता है लाइक एडमिट कार्ड रिगार्डिंग और इसके रिगार्डिंग, मैं आपको जैसे ही तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। अभी आप प्रिपरेशन करते रहो, और आपके जो डाउट्स बनते हो लाइक एडमिट कार्ड, तो मैंने बता ही दिया कि एडमिट कार्ड रिगार्डिंग बहुत जल्दी अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, वो सारा का सारा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको जैसी भी लगती है तो आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।